गाइस, सो आपका स्वागत है मैथ इज इजी चैनल पे। सो हमें एक क्वेश्चन मिला था हमारे फेसबुक पेज पे, जिस पे हमें किसी ने पूछा था कि किसके एक्सप्लेनेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, साथ ही साथ में किस तरीके से हमने सॉल्व करा, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रही थी इसको सॉल्व करने में, वो मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि 2x + 2xy = x² + y², यहाँ पर x और y एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें याद रखना होगा कि यहाँ पर x एंड y क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें मॉडुलस x माइनस y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। सो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके की क्वेश्चन आप देखते हैं तो इसका अधिकतम मान कब हो सकता है, जब जो माइनस का साइड है वो उसका मान सबसे कम हो। ओके, सो हमें y की वैल्यू सबसे कम चुननी है, उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व कर, तभी हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज भी दी हुई है कि हमें जो x और y है वो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि x और y है उनकी वैल्यू 1, 2, 3 और अनंत तक होगी। तो हमें जो x और y की वैल्यू लेनी है वो इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले y की वैल्यू सबसे कम है वो लेंगे। तो हमने यहाँ पर ली y = 1, हमने वैल्यू ली और इस y = 1 को हमने इस जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x + 2y = x² + y², उसमें रखी तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो है 2x → 1 x² + 1². तो हम जब इसको हम वापस से और सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो है 2x + 1 = x². ओके, सो नाउ वी हमारे पास अब एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है जिसको हमें सर्च करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके क्वेश्चन में हम जस्ट कंसिडर करेंगे कि नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। हम कंसिडर कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 जो भी हमें कंसिडर करनी है, लेकिन जब आप एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे ओके, तो हमें देखना पड़ेगा सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को नहीं। तो जब आप एक एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 रेस टू 1 + 1, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 रेस टू 1 + 1 = 3 = 1². सो 1 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा केस लेंगे, हम लेंगे y = 2। तो जब हम y = 2 लेते हैं और उस वैल्यू को x = 2 जब x = 2 हम लेते हैं और इसको इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हम फिर से देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो मतलब जो x की वैल्यू है वो 2 भी नहीं हो सकती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, तीसरी कंसिडर करेंगे केस, सो x = 3। ओके, और जब x = 3 तुम इसमें रखोगे इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, तो हम देखेंगे कि 2 रेस टू 3 + 1 = 9 एंड RHS क्या आ रहा है, 9। तो हमें LHS और RHS दोनों साइड क्या बराबर हुई है, तो x की वैल्यू 3 हो सकती है। पर हम क्या करेंगे, हमें पता है एक्चुअल क्या होता है ना, ऐसी इस तरीके के क्वेश्चन में ये जो कंडीशन होती है रखने वाली, ये बहुत लंबी नहीं जाती है, तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो इसका ये नहीं होता कि आपको हर केस लेना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, आपको इक्वेशन देखनी है उसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो विद इन 1, 2, 3 ट्रायल्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें आंसर यहाँ मिल चुका है, लेकिन हम सिर्फ चेक करने के लिए हम इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो जब आप x = 4 यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हम देखोगे फिर से सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से सारे केस बनेंगे और आगे कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें इससे पता लग गया कि यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू क्या क्या है, एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है 1 और हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है मॉडुलस एक्स माइनस वाई का। सो उसके लिए हम वे वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहा है, 2। तो अधिकतम वैल्यू इस इक्वेशन की होगी 2। अच्छा, आई थिंक आपको अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन द सॉल्यूशन। अगर हाँ तो लाइक का बटन है, उस लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, बिकॉज हम इस तरीके के क्वेश्चन हमारे चैनल पे
आगे भी सॉल्व करते रहेंगे, और अगर आपको किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पे हमें पोस्ट करिए और हम आपके पास उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन लेके जल्द से जल्द आएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।